क्योंकि अगर बियर्ड रफ होगी ना आपकी, तो आप ट्रिमर को सही डायरेक्शन में, तो आप चिन और जॉ वाले एरिया को ट्रिम करने के लिए हम दो साइज ऊपर जाएंगे, 5 की सेटिंग पे करेंगे, ताकि बट आपको ना दिख नहीं पाता कि आप कहां से शेव कर रहे हो। यार मैनली दिखने के लिए सबसे इजी एंड बेस्ट तरीका है एक वेल केप्ट बियर्ड। एक अच्छी बियर्ड से आप अपने फेशियल फीचर्स को बैलेंस कर सकते हो, फेस फैट को भी छुपा सकते हो एंड थोड़ी ना डेफिनेशन ला सकते हो अपने फेस पे। एक बियर्ड आपको मैच्योर भी दिखाती है और थोड़ा मिस्टीरियस भी, लेकिन अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे तो एकदम घटिया दिखेगी बियर्ड। तो एक अच्छी मैनली बियर्ड कैसे रखें? व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। आई एम सैम कालरा एंड आज की वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपको दिखाने के लिए कि बियर्ड को मैनली कैसे रखें। वीडियो में हर पॉइंट ध्यान से सुनना, नहीं तो आप गलत स्टाइल बना लोगे। एंड इफ यू वांट टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी के अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी वीक। सबसे पहले तो आई होप आप सबने अपनी बियर्ड को उगने दिया होगा 4-5 हफ्ते, एंड उसके बाद आज का ग्रूमिंग सेशन शुरू करेंगे किंग सी जिलेट के प्रोडक्ट्स यूज करके, जिसमें है ग्लोबली सोर्स इंग्रेडिएंट। स्टेप 1, वॉश योर बियर्ड। अगर आपकी बियर्ड गंदी और ऑयली होगी ना, तो उसको ट्रिम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रिमर उस पर अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको एक ऐसा बियर्ड वॉश चाहिए जिससे कि आपकी बियर्ड क्लीन हो जाए और अंदर की स्किन भी मॉइस्चराइज हो। तो मैं यूज कर रहा हूँ किंग सी जिलेट का बियर्ड एंड फेस वॉश, जिसमें है इन्फ्यूज्ड एवोकाडो और आर्गन ऑयल, जिससे कि आपकी बियर्ड को बहुत नरिशमेंट भी मिलेगी। इसका बस एक कॉइन साइज अमाउंट अपने हाथों पे लो एंड उसको अच्छे से अपनी वेट बियर्ड पे लगा लो, बढ़िया सा लैथर बनेगा। एंड फिर उसके बाद इसको पानी से रिंस कर लोगे तो ये झाग चला जाएगा। और ये था ट्यूटोरियल अपने माइक को पानी से खराब करने का। सेकेंड स्टेप है अपनी बियर्ड को सॉफ्ट कर देना, ताकि आप इजीली ट्रिम कर पाओ, क्योंकि अगर बियर्ड रफ होगी ना आपकी, तो आप ट्रिमर को सही डायरेक्शन में नहीं चला पाओगे। तो मैं यूज कर रहा हूँ किंग सी जिलेट का सॉफ्ट बियर्ड बाम। इसमें है कोको बटर और आर्गन ऑयल, जो कि बालों के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसका बस आप इतना सा अमाउंट ले लो एंड उसको अपने हाथों में अच्छे से फैला लो, रब कर लो एंड उसके बाद उसको अपनी बियर्ड पे हल्के से लगा लो। यार काफी लाइट वेट बाम है ये एंड इसका जो टेक्सचर है काफी ज्यादा क्रीमी है, तो इससे मेरे को तो काफी पसंद है एंड इसकी स्मेल बहुत प्यारी है। काफी आसानी से स्प्रेड हो गया है ये। अब इसको आप 3 मिनट्स के लिए अपनी बियर्ड में रहने दो, तब तक जाके कोई और वीडियो देख लो चैनल पे एंड उसके बाद जब 3 मिनट्स पूरे हो जाए तो आके इसको वॉश कर लो पानी से सिर्फ। ए फ्यू मिनट्स लेटर, यार मेरे को इसकी बेस्ट हद जो ये लगी है वो है कि इसके अंदर जो खुशबू है ना, जो सेंट है इसकी, वो सेडारवुड वाली है, जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। बियर्ड को थोड़ा सुखा लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ट्रिम करना। अब ट्रिम करने के लिए मैं रखूंगा फेड वाला बियर्ड स्टाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैनली लगता है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। एंड ट्रिम करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अगेन किंग सी जिलेट का बियर्ड ट्रिमर, जिसके साथ 3 अलग कॉम्ब अटैचमेंट्स हैं। तो यार फेड बियर्ड स्टाइल के लिए मैं इसमें से यूज़ करूँगा ये मीडियम वाला ब्रश है ये। तो यार फेड बियर्ड स्टाइल के लिए मैं यूज़ करूँगा ये मीडियम वाला अटैचमेंट एंड इसको ट्रिमर पर चढ़ा देते हैं एंड इस पर मैं सेटिंग पे जाऊंगा नंबर 3 वाले पे। तो अब 3 नंबर वाले पे मैं अपने लिप्स के पॉइंट से लेके अपने जॉ के पॉइंट तक जो लाइन बनती है ना, इससे ऊपर वाले बाल सारे 3 पे ट्रिम करूंगा। तो यहां से सारे 3 पे, तो अब दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं। तो अब चिन और जॉ वाले एरिया को ट्रिम करने के लिए हम 2 साइज ऊपर जाएंगे, 5 की सेटिंग पे करेंगे, ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क लगे बाकी एरिया से, तो आपका फेस जो है ना वो डिफाइन हो जाएगा और ज्यादा मैनली लगेगा। तो मैं 5 की सेटिंग पे कर रहा हूँ अब और इससे ट्रिम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसके ऊपर से ये अटैचमेंट पूरी हटा दो, इसको आप 0 पे यूज करो। 0 पे यूज करके हमें क्या करना है, बियर्ड के आसपास के एरिया में जो फैले हुए बाल हैं वो हटा देने हैं, तो आपकी बियर्ड उससे ज्यादा डेंस लगेगी। तो अब चीक्स हो गए, तो आपको अपनी नेक पे एक कर्व लाइन बनानी है आपके जॉ से 2 फिंगर या 1 फिंगर के गैप पे। उससे ये होगा कि आपके यहां से सारा बाल हट जाएंगे, तो आपकी जॉ बहुत डेंस दिखेगी और बहुत मैनली दिखेगी। अब और भी कहीं से आपको अगर फैले हुए बाल दिखते हैं जो कि डेंस एरिया में नहीं है, उनको भी आपको हटाना है और शेप देनी है। ब्रोज ये ट्रिमर 50 मिनट चल जाता है एक चार्ज पे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। और हाँ, इसकी जो कॉम्ब्स हैं और इसका जो हेड है, ये सब पानी में वॉशेबल है, तो आप बियर्ड ट्रिम करने के बाद इनको एकदम साफ भी कर सकते हो, क्या करना ही चाहिए। ब्रो ट्रिम करने के बाद आपको अपनी लुक को शार्प दिखाना है शेव करके। अब ये देखो कि जितना आप अपनी लुक में कॉन्ट्रास्ट ला पाओगे ना, उतना आपका फेस ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और मैनली लगेगा। मतलब अगर आप यहाँ से एक बाल एकदम हटा दोगे और यहाँ पे बाल होंगे, तो बहुत डेफिनेशन आएगी आपके फेस पे। अब जो रेगुलर शेविंग क्रीम शेविंग फोम होते हैं वो वाइट कलर के निकलते हैं, तो उनसे बाल आपके सॉफ्ट तो हो जाते हैं, बट आपको ना दिख नहीं पाता कि आप कहाँ से शेव कर रहे हो। तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ किंग सी जिलेट का ट्रांसपेरेंट शेव जेल। तो यार बस थोड़ा सा अपनी फिंगर्स पे ले लो एंड वहां लगा लो जहां आपको शेव करना है।
इसकी बेस्ट बात ये है कि आप जब इसको लगाओगे तो बाल तो सॉफ्ट हो ही जाएंगे काफी, आप आराम से शेव कर ही पाओगे, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखता भी रहेगा कि आप कहां कहां से शेव कर रहे हो, तो आपकी कोई लाइन खराब नहीं होंगी शेव करते हुए। यार इसमें एलोवेरा इसमें एलोवेरा एंड टी एक्सट्रैक्ट्स है एंड इसमें सिग्नेचर सेडारवुड सेंट है इनकी। तो अब हम शेव करेंगे यूजिंग दी किंग सी जिलेट नेक रेजर। इसको आपको वहां वहां यूज करना है जहां जहां आपने जीरो नंबर पे ट्रिम किया था। और यार याद रखना कि आपको उस डायरेक्शन में शेव करना है जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, इससे आपको कट्स कम पड़ेंगे, बम्प्स नहीं होंगे। वैसे इस रेजर में लुब्रिकेशन स्ट्रिप्स हैं ऊपर और नीचे ताकि आपकी शेव एकदम स्मूथ हो। दो ब्लेड्स हैं स्किन गार्ड के साथ एंड इसके पीछे एक प्रिसिजन ब्लेड भी है ताकि आप अपनी एकदम जो डिटेल वाले पार्ट हैं वो अच्छे से शेव कर पाओ। और अब जब शेव हो गई है तो उसके बाद फेस को अच्छे से वॉश कर लो। नेक्स्ट स्टेप है कंडीशन योर बियर्ड। देखो अगर आपने स्टाइल कर ली और उसके बाद आपकी बियर्ड बहुत ड्राई और इधर उधर उड़ी हुई लगेगी ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको लगाना है एक अच्छा सा बियर्ड ऑयल जिससे कि आपकी बियर्ड एकदम सॉफ्ट लगे, स्मूथ लगे एंड एक शाइन आ जाए उसमें। तो मैं यूज कर रहा हूँ किंग सी जिलेट का बियर्ड ऑयल जो कि 99% प्लांट बेस्ड ऑयल से बना है। तो बस इसकी थोड़ी सी ड्रॉप्स ले लो अपने हाथ पे एंड उसको हाथों में अच्छे से फैला लो दो ड्रॉप्स को एंड उसके बाद उसको बस बियर्ड पे इवनली लगा लो हर जगह अच्छे से। ज्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से थोड़ा सा शाइन दे। यार इसकी बेस्ट बात यह है कि ये काफी लाइट वेट है और ये वो ग्रीजी और चिपचिपा सा नहीं है जो गंदा गंदा सा लगता है। ब्रो सिंस केसी जी इज फ्रॉम द हाउस ऑफ जिलेट वी कैन एक्सपेक्ट नथिंग बट द बेस्ट। तो यार अपना रेजर लो और लाइक बटन को शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी बाकी वीडियोस भी देखो। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।